सवाल है, बाबा हादसे के बाद से कहां गायब हो गए हैं? वो पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अंडरग्राउंड हो गए। और पुलिस बाबा से देखिए पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उनका फोन भी बंद आ रहा है। कहां छिपा है बाबा नारायण साकार हरि? हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि की वो चार कॉल, 121 मौत के बाद से कहां अंडरग्राउंड हुआ बाबा? इधर 121 की जान गई, उधर मैनपुरी आश्रम क्यों पहुंचा था बाबा? अब तक बाबा पर FIR दर्ज क्यों नहीं? क्या कोई बाबा नारायण साकार हरि को बचा रहा है? हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें 121 लोग बेमौत मारे गए, लेकिन अभी तक उस धार्मिक आयोजन के केंद्र में रहे बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का कोई सुराग नहीं है। अब तक सूरजपाल सामने नहीं आया, लेकिन उसका बयान पेपर के एक टुकड़े के जरिए जरूर बाहर आया। उसने घटना पर संवेदना प्रकट की, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की, लगे हाथ कह दिया कि असामाजिक तत्वों ने समागम में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की और भगदड़ कराई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। SP सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिन्हें बाबा ने केस लड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन वह खुद सामने नहीं आ रहा। सवाल है कि आखिर बाबा कहां छिपा है? क्या उसे कोई बचा रहा है? बाबा के गायब होने की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले फरार होने की पूरी सच्चाई जान लीजिए। 2 जुलाई को सूरजपाल दोपहर 1:40 पर घटना स्थल से निकल गया था। कॉल डिटेल जांच में पता चला है कि हादसे के बाद सूरजपाल को 2:48 पर आरोपी आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने फोन किया, शायद उसने बाबा को हादसे की जानकारी दी। मधुकर ने बाबा से 2:17 तक बात की, उसके बाद नारायण हरि की फोन लोकेशन 3:00 से 4:35 पर मैनपुरी के आश्रम में मिली। मैनपुरी आश्रम में रहते हुए बाबा ने 3 मोबाइल नंबरों पर बात की। पहला नंबर महेश चंद्र नाम के शख्स का है, जिससे बाबा ने हादसे के बाद 3 मिनट बात की। दूसरा नंबर किसी संजू यादव का है, जिससे केवल 40 सेकंड बात हुई। और तीसरा नंबर रंजना देव प्रकाश नाम की महिला का है, जो देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। रंजना के नंबर पर बाबा ने 11:33 तक बात की। माना जा रहा है कि फरार आरोपी देव प्रकाश ने अपनी पत्नी के नंबर से बाबा से बात की। 2 जुलाई की शाम 4:35 के बाद से बाबा का फोन स्विच ऑफ है और बाबा नारायण हरि आउट ऑफ नेटवर्क है। मौका वारदात से 1:40 पर बाबा गायब हो गया था। गायब होने के दौरान उसने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से फोन पर बातचीत की थी। 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया, उसके बाद बाबा कहां गया, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर कहां गया, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। हादसे के बाद बाबा सबसे पहले मैनपुरी के जिस आश्रम में पहुंचा, वहां पुलिस ने बीती रात अचानक छापेमारी की। SPCT और CO के साथ पुलिस टीमें बाबा के आश्रम में पहुंची। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त पुलिस ने आश्रम के अंदर बिताया, लेकिन जब बाहर अफसर आए तो कह दिया कि बाबा अंदर नहीं। रात में अचानक से गतिविधि बढ़ गई? नहीं कोई नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की तलाश। सवाल है कि बाबा आश्रम में नहीं है तो पुलिस ने 1 घंटे तक वहां क्या तलाश किया? पुलिस को आश्रम से क्या मिला? बाबा की गैर मौजूदगी में पुलिस को सुरक्षा जायजे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? मैनपुरी आश्रम में पुलिस की तलाश से पहले बुधवार को काले रंग के शीशे वाली DL नंबर की स्कॉर्पियो आश्रम से बाहर निकली और चली गई थी। सवाल उठ रहे हैं कि उस स्कॉर्पियो में कहीं सूरजपाल तो नहीं? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा नहीं है? नहीं। नहीं तो?
फिर इशू मत बनाओ कोई बात का, ठीक है ना, जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँचो, ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है, ये रात भर से इसी आश्रम के अंदर थे। पहले तो हादसे को लेकर दर्ज FIR में बाबा का नाम नहीं होना और अब उसका ऐसे लापता होना कई सवाल खड़े कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि बाबा कहाँ छिपा है। मैनपुरी के आश्रम में तो बाबा नहीं मिला, कासगंज के आश्रम में भी वो मौजूद नहीं। हादसे के बाद से एटा से भी कोई सुराग नहीं। आगरा और नोएडा की अन्य जगहों पर सबकी नजरें। अभी यूपी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज की है, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही बाबा के बारे में कोई जानकारी मिल पाई। अरविंद ओझा के साथ संतोष कुमार शर्मा, हाथरस, आज तक। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर से। सवाल यही आपसे संतोष कि अगर बाबा आश्रम के अंदर है ही नहीं तो पुलिस वहां पर एक घंटे तक क्या छानबीन कर रही थी, और जब बाहर आई तो कह रहे हैं कि हम वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाबा को भी पुलिस का प्रोटेक्शन हासिल है, क्योंकि बाबा अचानक से हवा में तो गायब हो नहीं गए, वहीं कहीं ना कहीं आसपास होंगे, या अगर गए भी तो गाड़ी निकली होगी, होगी तो सीसीटीवी फुटेज होगा, आजकल तो हर जगह सीसीटीवी लगा होता है। एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सीसीटीवी फुटेज होगा, इस पूरे आश्रम में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये आपको भी चौंका गया और मुझे भी चौंका रहा था कि आखिर इतने हाईटेक होने के बावजूद बाबा ने कहीं पर भी सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया। वो मैनपुरी पुलिस जो 2 जुलाई के बाद से यहाँ पर पहरेदारी कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस पहरा बन गई है। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज से कहूँगा कि जरा ये पुलिस को दिखाइए, ये 2 जुलाई की शाम से यहाँ पर पहरे में है। कल रात में भी यहाँ पर दबिश दी गई। SP सिटी राहुल मिठास यहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लेने आए थे। तो बाबा को यहाँ पे बाबा के आश्रम में किसकी सुरक्षा, अगर बाबा नहीं है बकौल पुलिस तो फिर किसकी सुरक्षा, ईंट दीवारों की सुरक्षा करने आए थे SP सिटी साहब। दूसरी चीज कि इस पूरे आश्रम में कहीं पर आपको CCTV नजर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि CCTV गेट पर कहीं लगे हों, कहीं पर ना किसी बाउंड्री पे, ना किसी अंदर, ना ही ऐसा नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं बाबा ने हटा तो नहीं दिया CCTV, तो नहीं, बाबा ने कहीं पर भी किसी भी आश्रम में CCTV लगाए ही नहीं है। जो बाबा अपनी सिक्योरिटी को लेकर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडो की तरह पहना करके चलते हैं, सत्संग के बाद वो ब्लैक कैट कमांडो FIR के अनुसार जो दर्ज हुई है हाथरस में कि उनके निजी जो सुरक्षा गार्ड थे उन लोगों ने धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मची। SDM की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि बाबा के सिक्योरिटी गार्ड से लोग गिरने लगे धक्का देने से। वो सुरक्षा गार्ड जब इतनी सुरक्षा रखी जाती है तो इस आश्रम में कहीं CCTV नहीं है, क्यों नहीं है, क्या ऐसी कौन ऐसा इस आश्रम में आता जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। रही बात बाबा कहाँ चले गए, बाबा कहीं भक्त मारे गए, 121 लोगों की जान गई, श्रद्धालु थे, उनके अनुयायी थे, हादसा हुआ, बाबा का सरोकार है या नहीं है ये पुलिस जांच करेगी, लेकिन बाबा अगर वहां पर थे और उनके निकलने के बाद ही सही वहां पर भगदड़ मची, उन्हीं के लोग 121 लोग मर गए, तो कम से कम बाबा को मानवता के नाते, जो मानवता का पाठ पढ़ाते उस मानवता के नाते ही बाबा श्रद्धांजलि देने के लिए कम से कम बाहर आते कि मुझे दुख है मेरे भक्त मेरे ही सत्संग में मारे गए। तो लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, क्या उन्होंने एक अपने वकील AP सिंह है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनको ऑथराइज कर दिया और वो कह रहे हैं कि बाबा को पूरा दुख है, पूरी संवेदनशीलता है।